तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिमजी के मंडारा में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 या प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां और नीचे से 84वां है, ठीक है। कुल प्रतियोगिताओं प्रतियोगी की संख्या बतानी है आपको, टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी संख्या, ठीक है। तो ऊपर से 8वां है और नीचे से 84वां है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, तो जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता वो देख लें और जिन्होंने अपना आंसर लगा लिया है वो आगे बढ़े। तो इस आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। ऊपर से उसका स्थान है 8वां और नीचे से है 84वां, ठीक है। अगर हम आप इसको प्लस करेंगे तो आएगा 92, तो आपके पास आया 92। तो उसमें से आपको क्या करना है, एक घटा देना है, ठीक है। मतलब इन दोनों को ऐड करना है और एक माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 91, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये तरीका पता नहीं था तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुषों का औसत भार है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 केजी का केजी वाले स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। मतलब 8 पुरुषों का जो औसत भार है वो 1.5 केजी बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो इसकी भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कैसे करने हैं। तो ज़रा क्वेश्चन को गहराई से समझते हैं। तो 8 पुरुष थे, ठीक है। नया पुरुष आया हमारे पास 65 वेट वाला, तो हमने क्या करना है, 65 और प्लस करना है 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है। तो ये नए व्यक्ति का भार आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 65, तो 12, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 12, एंड 12 प्लस 65 इसका राइट आंसर होगा 77। 12 प्लस 65 होते हैं 77। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये सॉल्यूशन देख लीजिए। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो 171 मीटर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए ढंग से, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 45 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर एक लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो आपने क्या करना है, दोनों जो लंबाइयां हैं वो ऐड करनी है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस होगा जो एक पॉइंट जो है वो कवर करेगा, उसमें ट्रेन की लेंथ भी होगी और पुल की लेंथ भी इंक्लूड होगी। तो जैसा कि आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे पूछा क्या गया है हमारे पास, हमसे पूछा गया टाइम। तो हमने क्या करना है, टाइम इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो डिस्टेंस आई थिंक यहाँ पे आएगा 400, और जो हमारे पास स्पीड है वो है 45, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 171 प्लस 229 को हमने प्लस किया तो ये आ गया 400, और इसको डिवाइड किया 45 से और 5/18 से। तो 5/18 से हमें ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा 32, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन है 45 किलोग्राम, यदि लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है, ठीक है। जो एवरेज है वो 100 ग्राम से कम हो जाता है, कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो औसत है ये 100 ग्राम कम होगा, तो ये क्या बचेगा, 44.9, ठीक है। और पहले जो उनका औसत था वो था 45, तो हम क्या करेंगे, 50 को गुना करेंगे 45 से और इसमें से माइनस कर देंगे, लड़के कितने बचे हमारे पास, 49, ठीक है। 49 बचे, एक तो चला गया और सबका जो एवरेज था वो इतना बच गया, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 44.9। तो आप ढंग से देख लीजिए नीचे, तो ऐसे किया गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 49.9। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों से 20 मीटर इंटू 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है।
हमारे पास ईंटों की जो डायमेंशन है वो दिए गए हैं और फर्श का डायमेंशन दिया गया है। तो हमने क्या करना है, फर्श को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। या तो आप इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर को, या मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, दोनों एक बात है, पर आसान है आपको ऐसे रहेगा। तो 2500 और 1600, और इसको डिवाइड करना है हमें 20 और 10 से। तो इसको काट के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2500 मल्टीप्लाई बाई 8, जो कि होता है 20,000। तो ऑप्शन नंबर 20,000 राइट आंसर। बात करें 6th क्वेश्चन की, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 हो तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्या होगा। तो सपोज़ कीजिए कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो था 100, ठीक है, उसमें दे दी हमने 14 की छूट, तो 14% या हम 14 की इसमें छूट दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 86, ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 645 हो, यदि हम अब छूट देने के बाद इसको बेच रहे हैं 645 में, तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो 86 बराबर है 645 के, ठीक है। तो यदि 86 बराबर है 645 के, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ए कितने के बराबर होगा, एक होगा 645 डिवाइडेड बाई 86, और 100 कितने के बराबर होगा, वो होगा मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसको कट करने के बाद हमारे पास आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, जो कि है हमारे पास 750। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर ऐसे समझना है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे है किया, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई 180 मीटर, 220 मीटर और एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। तो आपको बताना है एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी। तो आई होप दोस्तों आपने अपना जो आंसर लगा लिया होगा। तो एक पॉइंट आप ध्यान देखें कि एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं वो, तो जब भी ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाए तो उनकी स्पीड जो है वो प्लस होगी, ठीक है, और जब वो सेम डायरेक्शन में जाएँ तब वो माइनस होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें आप, तो हमने क्या किया, उनकी जो चालें थी उनको प्लस किया और टोटल लंबाई को प्लस किया, और सिंपल हमने फॉर्मूला लगा दिया टाइम का, और अब देख लीजिए इसका आंसर आया 16 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 8th क्वेश्चन की, एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से ए तक आने में औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा में पूरी करता है, तो यात्रा में उसकी औसत गति क्या रही। तो दो पॉइंट है हमारे पास, ए और बी, ठीक है। तो मान लीजिए जब मैं यहाँ से बी तक चला, ठीक है, तो मेरी स्पीड थी 65, और जब मैं बी से वापस ए की तरफ आया तो मेरी स्पीड होगी 60। तो पूछा गया है कि इसमें जो हमारी एवरेज स्पीड रही वो क्या रही। तो इसका मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ, ये या आप याद रख लेना, कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो 2xy/x+y, ठीक है। तो 2xy अगर हम करें 2 × 65 × 60, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे इन दोनों को प्लस करके 125, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 62.4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है, अब उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में है। तो आपको बताना है, तो सपोज़ कीजिए आपके पास 3 किलोग्राम चीनी का घोल है जिसमें 40% जो है वो चीनी है, ठीक है। तो 3 kg हमारे पास टोटल वैल्यू है, और उसमें 40% चीनी है और दूसरी तरफ 60% पानी है, ठीक है। तो 3 किलो का आप या 40% निकालें और 60% निकालें पहले। तो देख लीजिए ज़रा, 3 हमारा मिक्सचर है, 40% जो है वो चीनी है इसमें और 60% वाटर है। तो 3 × 40% हुआ 1.2, ठीक है, और 1.8 हो गया हमारे पास वाटर। तो इन्होंने क्या बोला कि 1 किलोग्राम पानी और मिलाया जाता है, तो पानी हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, एक इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2.8, और पहले थी हमारे पास 1.2, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन गया हमारे पास टोटल मिक्सचर। तो हमसे पूछा गया है अनुपात, तो अनुपात के लिए क्या करना होगा हमें, एक है हमारे पास 1.2 और दूसरा आया जो नया बन के आया पानी का वो बना 2.8। तो पॉइंट से पॉइंट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काट के हमारे पास आ जाएगा 3:7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर।
बात करें 10th क्वेश्चन की, दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसमें दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पूछा गया है कि मिनिमम कि ऐसा कौन कि किस बर्तन को हम लें जिससे 120 लीटर को भी मापा जा सकता है और 56 लीटर को भी। मान लीजिए हमारे पास 20 लीटर का है, ठीक है, 20 लीटर का हमारे पास कुछ भी है बीकर, तो उससे तो हम इसको माप सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 6 बार लेंगे और ये मापा जाएगा। पर इसको हम नहीं नाप सकते ना, क्योंकि इसको 2 बार लेंगे 40 और अगली बार 16, हम कैसे मेजर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो वही है। अब मैं बताता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 120 और 56 की एलसीएम सॉरी एचसीएफ एचसीएफ आपको लेनी है, 120 और 56 एचसीएफ, ठीक है। तो आप ये निकाल लेना, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।